दोस्तों एक और जन्म कुंडली का अध्ययन लेकर मैं आपके सामने उपस्थित हुआ हूँ। दोस्तों आज की जो जन्म कुंडली है वो स्त्री जाति की है। वरुण नायक जी आपने जो डिटेल दी है सेंड की है उसका मिलान कीजिए आप। डेट ऑफ बर्थ 18/1/1994 1994। टाइम 9:30 AM आंध्र प्रदेश श्रीकाकुलम डिस्ट्रिक्ट। तो ये डिटेल आपने दी है। बात करें जो इनका जन्म लग्न है कुंभ लग्न है। कुंभ लग्न के स्वामी हम सभी जानते हैं शनिदेव होते हैं और शनिदेव कुंभ लग्न में ही विराजमान है सस महापुरुष योग बनाते हुए। अब इनका जो पाया है वो रजत है चांदी का है अच्छा होता है। वर्ण ब्राह्मण है वर्ण भी अच्छा होता है। योनि गौ की है गण मानव है नाड़ी मध्य है। लग्न कुंभ स्वामी शनि राशि मीन है। जो इनका द्वितीय भाव है मीन उसमें चंद्रमा विराजमान है राशि मीन हुई जिसके स्वामी गुरु राशि स्वामी लाभ भाव के स्वामी गुरु सब सातवी राशि अर्थात तुला राशि में विराजमान भाग्य भाव में। भाग्य भाव में गुरु बलि होकर बैठते हैं लेकिन तुला राशि का थोड़ा सा दोष उनको लग जाता है और जिस भाव में बैठते हैं वहां पे थोड़ी हानि करते हैं ये कमी लाते हैं। नक्षत्र उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र है जो कि शनि का ही नक्षत्र है। ये अच्छा संयोग होता है कि लग्नेश के ही नक्षत्र में आप ने जन्म पाया है। दशा जो है शुक्र की चल रही है। सातवें भाव के कारक ग्रह शादी के लग्जरी लाइफ के कारक ग्रह हैं शुक्र उनकी दशा चली हुई है 30/3/2039 तक। शुक्र में शुक्र की ही अंतर दशा चली हुई है 30/7/2022 तक। और कुंभ लग्न के लिए शुक्र भाग्य भाव के स्वामी होते हैं सुख भाव के भी स्वामी होते हैं तो दशा अच्छी चल रही है लेकिन शुक्र अस्त है तो इतना लाभ ये उठा नहीं पाएंगे। अब जो इन्होंने सवाल पूछा है वो देखिए। सवाल इनका इन्होंने पूछा है शादी कब होगी कौन से ईयर में कौन से मंथ में लव या अरेंज शादी कब होगी। तो शादी के लिए हम सप्तम भाव को देखते हैं और शादी से सुख के लिए हम अष्टम भाव को भी देखते हैं। अगर अष्टम भाव भी पीड़ित होता है तो भी शादी में तकलीफ आती है। तो कुंभ लग्न है सप्तम भाव के स्वामी सूर्य हुए सिंह राशि जो कि अपने से छठे 12वें भाव में बैठे हैं। शुक्र और बुध के साथ युति बनाकर सूर्य देवता मकर राशि में उत्तराषाढ़ा नक्षत्र सूर्य के ही नक्षत्र में बैठे हैं मकर राशि में बैठे हैं। तो मकर राशि में जब सूर्य होते हैं तो ऐसा व्यक्ति ऐसा जातक दिलदार होता है पैसे खर्च करने वाला होता है मतलब कंजूस नहीं होता। तो सूर्य का सूर्य के लग्न में होना सप्तमेश का सप्तमेश के लग्न में होना अच्छा होता है। तो शनि की सातवीं दृष्टि भी शनि की सातवीं दृष्टि भी सप्तम भाव पर सीधी पड़ रही है तो ये शादी में विलंब अवश्य करवाएगी लेकिन शादी
अवश्य होगी, लग्नेश की दृष्टि पड़ती है तो वो अवश्य काम बना देते हैं। और सप्तमेश भी बस अपने से छठे में जाकर थोड़ा सा दुख का कारण बन रहे हैं, तो ऐसा जो इनका जो हस्बैंड होगा वो खर्चीले स्वभाव का होगा, उनसे देखो कुंभ राशि है, कुंभ लग्न है, सिंह राशि है, सिंह लग्न है, कर्क राशि है, कर्क लग्न है, इनको थोड़ा सा संताप अवश्य मिलता है। जो सुख मिलना चाहिए वो कम मिलता है, मिलता जरूर है और मिलता कम है, क्योंकि सूर्य और शनि आपस में शत्रुवत होते हैं, तो शादी इनकी अवश्य होगी, देरी का कारण शनि की सातवीं दृष्टि से सातवें भाव को देखना और सूर्य का छठे अपने से छठे में जाकर बैठना, शुक्र का अस्त होना। बुध भी बारहवें में भाव में जाकर बैठे हैं, जहां कारक नहीं होते, शुक्र और बुध और शनि ये सप्तम भाव के कारक ग्रह कहे गए हैं, तो शादी आपकी होगी। और शुक्र की मैं शुक्र की दशा चली हुई है तो शादी के योग तो अच्छे हैं ही, तो शादी का तो समय आ रहा है, चल रहा है, आपको कोशिश जारी रखनी चाहिए। और आपने पूछा है लव मैरिज या अरेंज मैरिज, लव मैरिज के लिए आते हैं, बात करते हैं। पंचम भाव मिथुन राशि, जिसके स्वामी बुध अपने से अष्टम भाव में बैठे हुए हैं, और बात कर लेते हैं पंचम से पंचम शुक्र, वो भी बारहवें भाव में सूर्य के साथ पीड़ित है, सूर्य शुक्र की युति भी पीड़ा देती है, काफी मेहनत करवाती है, लग्जरी लाइफ बर्बाद कर देती है, सूर्य देवता शुक्र के जो भी प्रभाव होता है उसको नष्ट कर देते हैं, क्योंकि शुक्र यहाँ पे बारहवें भाव में बैठकर, कभी भी शुक्र बारहवें भाव में बैठकर गलत प्रभाव नहीं देते, अच्छी लाइफ दे देते हैं, अच्छा पैसा दे देते हैं, ऐसा इंसान खूब पैसा खर्च करता है, लेकिन सूर्य के साथ में ये पीड़ित होते हैं। बात करें तो पंचम भाव शुक्र अपने से चौथे में बैठ गया तो लव मैरिज आपको मेरे विचार से नहीं करनी चाहिए, क्योंकि पंचम भाव का स्वामी नवम भाव का स्वामी पंचम से पंचम दोनों पीड़ित हैं, तो आपको पीड़ा मिलेगी लव मैरिज करने से, तो माता पिता के आज्ञा अनुसार जो पसंद करते हैं वहां से आप शादी कीजिए, बहुत शुभ रहेगी। और नवमांस में थोड़ा सा कष्ट आ रहा है, आपका जो अष्टम भाव में लगने शनि और चंद्रमा साथ में बैठे हुए हैं वृश्चिक राशि में, ये विषयोग बना रहे हैं, तो ये भी शादी में विलंब का कारण करते हैं, थोड़ी मानसिक चिंता अवश्य होती है शादी से, सुख में भी शादी के बाद जो सुख होता है उसमें भी थोड़ा सा परेशानी अवश्य बनी रहती है, तो लव मैरिज ना करके अरेंज मैरिज करिए, फायदा रहेगा। और उसमें भी कुंभ लग्न और कुंभ राशि, सिंह लग्न सिंह राशि में आपको बताया है, वैवाहिक जीवन तो मिलेगा, वैवाहिक सुख अवश्य मिलेगा, लेकिन ऐसे लग्न वालों को, ऐसे लग्न वालों को थोड़ी बहुत समस्याएं अवश्य होती हैं, क्योंकि इनके जो विचार होते हैं आपस में पति पत्नी के विचार जो होते हैं वो कभी कभी नहीं मिल पाते, लेकिन कुंभ राशि वाले सिंह राशि वाले अपने दाम्पत्य जीवन को बचाते हुए चले जाते हैं, जीवन निर्वाह कर लेते हैं। तो वर्ण भी आपका ब्राह्मण है, दशम भाव में राहु की उपस्थिति आपके मतलब आपको मॉडर्न जमाने का बनाएगी, आप खुले विचारों के होंगे, किसी के दबाव में कम रहना पसंद करेंगे, ये राहु देता है। तो राहु के ऊपर शनि की दसवीं दृष्टि है, तो आपको शनि की सेवा अवश्य करनी चाहिए। और बात की जाए चलित कुंडली में भी गुरु और राहु साथ में बैठे हुए हैं भाग्य भाव में, तुला राशि में गुरु चांडाल दोष का निर्माण कर रहे हैं, तो गुरु जो है वो स्त्री जाति की कुंडली में पति का कारक होता है, तो यहाँ पे ये पीड़ित है। और आपका अगला सवाल जो था मेरा हस्बैंड कैसा रहे, कैसा होगा देखने में, तो सूर्य देवता आपके सप्तमेश हैं, तो हो और अपने नक्षत्र में है, तो वो ऐसे होंगे, शरीर हष्ट पुष्ट होगा, अच्छी हाइट होगी, देखने में भी अच्छे होंगे,
हो सकता है गवर्नमेंट से जुड़े हुए हों, गवर्नमेंट के पैसे उनको मिलते हैं, अर्थात गवर्नमेंट के कोई ना कोई अधिकारी हो सकते हैं। हाँ, थोड़ा स्वभाव उनका गर्म होगा, वहां पर आपको वैचारिक मतभेद देखने को मिलेगा। मेरी संतान कितनी होगी, फर्स्ट बॉय या गर्ल? संतान की बात करते हैं, वो ही पांचवा भाव का ये अस्त है, बुध बारहवें में बैठा है और स्त्री जाति की अगर संतान की बात की जाए तो मंगल को भी देखना चाहिए। मंगल धनु राशि में बैठे हुए हैं, अच्छी स्थिति में है और प्राक्रमिक होकर लाभ भाव में बैठे हैं, तो आपको आपकी संतान से लाभ अवश्य मिलेगा। देख रहे हैं तो पहली संतान लड़का ही होगा, लड़का होने की संभावना पूर्ण रूप से है, क्योंकि मंगल के साथ भी पूर्ण दृष्टि पड़ी हुई है पंचम भाव पर और अब धनु राशि में है, तो ये बहुत अच्छा होता है। भूमि भवन महाकार महान से भी आपको खूब लाभ मिलेगा, भाई से भी आपको खूब लाभ मिलेगा। बात करें अगले सवाल की, हस्बैंड के साथ एडजस्टमेंट में प्रॉब्लम तो नहीं होगी, ये आपने पूछा है। मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि सिंह राशि और आपकी कुंभ लग्न है और सप्तमेश सूर्य और शनि आपस में इनकी शत्रुवत व्यवहार होता है, वैचारिक मतभेद आ ही जाता है, तो आपको इस चीज में आपको कभी कभी संताप अवश्य महसूस होगा कि मैंने शादी की क्योंकि ऐसा मेरे साथ ही क्यों हो रहा है, तो ऐसे ऐसे ख्याल आएंगे, लेकिन कुंभ राशि वाले अपने रिश्ते को निभाते हुए चले जाते हैं, जीवन यापन कर लेते हैं। ऐसे ही सिंह राशि वाले होते हैं तो सिंह राशि वाले भी कर लेते हैं, सूर्य अच्छी पोजीशन में है, अधिकतर वो घर से बाहर ही रहेंगे कोई भी जॉब की वजह से। तो ये तो था आपकी राशियों का हाल। अब बात करें तो आपका जो वर्ण है वो ब्राह्मण है, तो ब्राह्मण वर्ण को राहु अत्यंत पीड़ा देते हैं, तो थोड़ा सावधानी से रहें। लेकिन कुंभ लग्न है और कुंभ लग्न के लिए वो बहुत अच्छे होते हैं, शनि के मित्र होते हैं, गुरु तुला राशि में बैठे हुए हैं, तो आपको क्या करना है, सबसे पहले भगवान सूर्य देव की आपको आराधना करनी है। आदित्य हृदय स्तोत्रम का आप पाठ कर सकते हैं और सूर्याष्टकम का पाठ कर सकते हैं, गायत्री मंत्र का आप जाप कीजिए, एक माला, तीन माला, पांच माला, ग्यारह माला, जो भी आपकी शक्ति हो उस हिसाब से। इससे आपके गुरु मजबूत होंगे, इससे आपके बुध भी मजबूत हो जाएंगे, इससे आपके सूर्य भी बली होंगे और सारी जो भी आपकी विवाह में बाधा आई हुई है वो दूर होगी और आपका दाम्पत्य जीवन मधुर बना रहेगा। शुक्र की महादशा चली होने से आपको जो भी कन्या है उनको कोई ना कोई उपहार अवश्य देना चाहिए। लक्ष्मी जी शुक्रवार को आपको माँ जगदम्बा की सेवा करनी चाहिए, उन कोई भी स्त्री जाति हो, कन्या हो, शादीशुदा हो, आपको शुक्रवार वाले दिन कोई ना कोई उनको उपहार अवश्य देना चाहिए। सफेद मिठाई का आप दान कर सकते हैं, इससे शुक्र को बल मिलेगा। लाइट कलर के आप कपड़े ज्यादा से ज्यादा यूज करें तो भी आपको फायदा मिलेगा। हो सके लक्ष्मी जी की सेवा कीजिए।